ओके ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर थ्री। वन ओवर से मैं आपको बताती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 15। दूसरा इसका प्लस वन ओवर एक्स वन स्क्वेयर वन ओवर एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। प्लस 3। नेक्स्ट साइन बीच में माइनस का है, टू ओवर माइनस 6x प्लस 5। हम इसके फैक्टर्स बनाने लगे हैं। फैक्टर्स बनाते हुए कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगी, ऊपर वन नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 15 के फैक्टर्स बनेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इसके फैक्टर्स हो गए। दूसरी वैल्यू के फैक्टर्स कुछ ये बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। टू के बाद एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 माइनस 3 एक्स माइनस 5। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, एक्स स्क्वेयर करके एक्स कॉमन करते हैं, अंदर एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, टू ओवर एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5। वन ओवर एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 प्लस वन ओवर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, टू ओवर एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1। सबका एलसीएम जो है वो यहाँ पर आपके सामने ये जो एलसीएम आने लगा है वो इसमें देख लें कि तीनों वैल्यूज के अंदर से ये इधर से। अच्छा इसमें ये देखना जरा अब्दुल्ला दी, ये तीन डिनोमिनेटर्स हैं, एक ये वाला है, एक डिनोमिनेटर ये वाला है और एक ये वाला है। इनमें से एक्स जी माइनस 3 बेटा 2 में तो कॉमन है ना, 3 में नहीं है कोई मसला नहीं, 2 में कॉमन है तो एक वो लिख लें। फिर उसके बाद एक्स माइनस 5 भी 2 में है, कॉमन कर लें एक्स माइनस 5, फिर एक्स माइनस 1 कॉमन कर लें। तो ये सारा एलसीएम हो गया। अब अगर आपने ये जिसको मैंने टिक लगाया है इधर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने बेटा वो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करनी है जो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है। मतलब यहाँ पे एक्स माइनस 5 भी है एक्स माइनस 3 भी है, तो कौन सी मिसिंग है, एक्स माइनस 1 मिसिंग है ना, तो 1 के साथ आप वो वाला मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम में तो है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो था एक्स माइनस 1। नेक्स्ट वाले में 1 लिखने के बाद इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे तो लिखा हुआ है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, किससे जी करें जी, इसकी समझ आ रही है।
जी सर आ रही समझ। तो बताए ना फिर नेक्स्ट वाले बताए, टू को किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स माइनस थ्री जी बिल्कुल, ये देखे ना एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन, ये इधर से रहने देना, जो बाकी बचता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक हो गया? तो टू के बाद एक्स माइनस, जी सर अब इनको कर ले मल्टीप्लाई, ये तो सीधा सीधा आ गया एक्स माइनस वन, फिर आ गया एक्स माइनस फाइव, फिर आ गया माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, डिवाइडेड बाय के बाद वही एलसीएम एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई। अगर देखा जाए तो ये x और ये x बेटा, ये दोनों कुल मिला के बनते थे 2x और ये माइनस 2x से कैंसिल हो गया और माइनस 5 प्लस 6 जो है वो ऊपर आ जाएगा 1 और ओवर में आ गया x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 1, ये आपका जो है ना क्वेश्चन।